हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि बहुत जो है अच्छी वीडियो है, जो कि आप लोगों के लिए कुछ सीखने का मिलेगा। जो कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसको कार स्टीरियो बोलते हैं। और इसमें प्रॉब्लम एक आ रही है कि जो इसको हम ऑन करते हैं, ये पावर स्विच ऑन करते हैं, तो इसकी डिस्प्ले जो है नहीं जलती है और ये लाइट जलती है। इसमें रिंग लाइट जो है ये जलती है और ये ऑन नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैं इसको रिपेयर करके आप लोग को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये डिजिटल FM USB MMC HD कार्ड प्लेयर और दोस्तों विथ डिस्प्ले के साथ है। और ये इसका मॉडल नंबर है 2022 का मॉडल नंबर है। तो दोस्तों, इसको अब हम चेक करते हैं, आप लोग को बताते हैं किस में क्या फॉल्ट है और ये कैसे। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने जो है 12 वोल्ट लगा दिया है। और अब हम इसको ऑन करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसमें लाइट जलती है, ये रिंग लाइट है, रिंग लाइट जलती है और ये डिस्प्ले नहीं आता है। तो दोस्तों, इसको कैसे सही करेंगे अब हम आप लोग को बताते हैं। पहले दोस्तों, हमें क्या करना है कि पहले इसका टॉप खोल देना है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये इसका ये पेच लगा हुआ है। इसको इस तरीके से आसानी से हमें टॉप को खोल देना है। देखिए दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया है और आप लोग देख सकते हैं जो है ये बोर्ड है, जो कि 44-40 बोर्ड लगा हुआ है इसमें। और अब हम इसको जो है इसमें हम आप लोग को चेक करके दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद फिर दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, अब हमें क्या है कि इसको बोर्ड को खोलना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा इसके अंदर क्या फॉल्ट है और ये ठीक कैसे होगा। पहले हम एक बार थोड़ा सा आप लोग को दिखा देते हैं इसमें क्या दिक्कत हो सकती है और उसके बाद हम बोर्ड खोलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये 200 पे सेट कर दिया क्योंकि 20 वोल्ट का हमारा ये मल्टीमीटर में दिक्कत है, इसमें नहीं सही बताता। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें 12 वोल्ट चेक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 16 वोल्ट आ रहा है और क्योंकि हम सेट को ऑन कर रखे हैं तो यहाँ पे 16 वोल्ट आ रहा है। और अब हम ट्रांजिस्टर में देखते हैं ट्रांजिस्टर में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रांजिस्टर में वोल्टेज आ रहा है 16 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमें इसको बोर्ड को पहले खोलना पड़ेगा और उसके बाद फिर देखते हैं कि कहीं अंदर शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग भी होगा तो भी वोल्टेज नहीं बताएगा या और कोई दिक्कत होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग पूरा देखना, आप लोगों को सीखने का मिलेगा। और दोस्तों सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए ये सब वीडियो बनाते रहते हैं, जो कि इसकी जो जानकारी है मुझे। तो दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम चेक कराते हैं। देखिए यहाँ पे 15 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस वायर को हटाएंगे क्योंकि वायर को हटाएंगे तभी हमें पता चलेगा वोल्टेज हमारी कहाँ से दिक्कत है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 12 वोल्ट का कनेक्शन है, 5 वोल्ट का कनेक्शन है ये हमारा, जो कि कार्ड में जाता है। अब हम इसमें देखेंगे इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, अभी भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हमें क्या करना होगा, ये ट्रांजिस्टर हमें एक बार देखना होगा, ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है कि सही है। हम सेट को बंद कर देते हैं, सेट को बंद कर दिया है दोस्तों। अब ये ट्रांजिस्टर को हम ओपन करते हैं क्योंकि हो सकता है हमारा ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो, कई दफ़ा ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कैमरा। तो दोस्तों, ये 78-0 जो है L जो है 7805 है। तो दोस्तों, इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। ये भी है दोस्तों जो है, ये LM है, इसमें लिखा हुआ है, नहीं दोस्तों L है 7805C, इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बट दोस्तों ये भी इसमें काम करता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको लगा लेते हैं और इसको इस तरीके से हमें मोड़ देना है और उसके बाद दोस्तों इसको कटिंग कर लेना है, इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने का मिले
तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग को और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों इसको हम अब यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो पहले हम एक बार वायर हटा देते हैं, क्योंकि इसलिए हम वायर लगाने की ज़रूरत नहीं, पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं वोल्टेज आ गया कि नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है, इससे पहले वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो अब हम इसको वायर को लगा लेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे ज़्यादा भी वोल्ट आता तो मेरे लिए दिक्कत है, क्योंकि कार्ड ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए जो है मैंने पहले निकाल दिया। अब हम दोबारा से चेक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों बंद कर दिया और चालू कर दिया, यहाँ ब्लूटूथ आ गया। तो अब हम इसको फटाफट टाइट कर देते हैं और फिर इसको चला कर दिखाते हैं, इसका साउंड टेस्ट करा के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है ठोकराल का स्पीकर है, इसको लगाकर इसमें हम लगाकर चेक करेंगे। तो दोस्तों अभी हम इस पर कनेक्शन करते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करूंगा। पहले अब हम क्या करेंगे, ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें अब ब्लूटूथ यहाँ से सर्च करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें आ गया BT-V09। अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अभी ये कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेट कनेक्ट हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों यह अब ये कनेक्ट हो गया, देखिए। और अब हम इसको इसमें चलाकर अब आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों देखिए मैंने अब इसमें जो है, देखिए दोस्तों अब हम इसमें चलाते हैं। यहाँ से आवाज़ तेज करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो दोस्तों इसमें यह ट्रांजिस्टर ख़राब था, इसके वजह से यह डिस्प्ले नहीं आ रही थी। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।